मैं हूं मैथिस गामित और आज हम देखने वाले हैं वर्ब्स जिसे हम आत्मा बोल सकते हैं। क्योंकि जब आत्मा हमारी बॉडी से निकल जाती है तब क्या होता है, हमारी बॉडी किसी काम की नहीं रहती। वैसे ही सेंटेंस में से अगर वर्ब गायब हो जाते हैं तब सेंटेंस किसी काम का नहीं होता, वो मीनिंगलेस हो जाता है, वो इनकम्प्लीट हो जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम वर्ब्स को देखने वाले हैं जिस पर दो प्रकार है मेनली, ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव। वो वर्ब्स हम स्पेशली सीखेंगे और भी कुछ टाइप्स के वर्ब्स है जिसको भी हम थोड़ी सी नॉलेज के लिए डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्ब्स मतलब क्रिया। सेंटेंस में कहीं पे भी आपको ऐसा दिखता है कि वो क्रिया है, कुछ कर रहे हैं, मतलब वो क्या होता है, वर्ब्स होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसिका इज लाफिंग, तो ये सेंटेंस में हम देख सकते हैं कि वो लाफिंग मतलब वो हंसने की क्रिया कर रही है, यहाँ पे हंसने की क्रिया हो रही है, तो वो क्या हुआ, वर्ब। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, अ डॉग इज रनिंग, जो डॉग है वो रन कर रहा है, मतलब वो दौड़ रहा है, तो यहाँ पे कौन सी क्रिया हो रही है, दौड़ने की, तो वो क्या हुआ, वर्ब हुआ। तीसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, द ग्लास इज ब्रोकन, यहाँ पे ग्लास टूटने की क्रिया हो रही है, तो उनको हम क्या बोलेंगे, वर्ब बोलेंगे। तो वर्ब को हम ऐसा बोल सकते हैं कि अ वर्ब इज यूज टू डिनोट व्हाट अ पर्सन थिंग और एनिमल डज। वर्ब किसे कह सकते हैं, जो क्या डिनोट करता है, पर्सन थिंग या एनिमल, वो क्या करते हैं, वो कौन सी क्रिया करते हैं, वो क्या काम करते हैं, वो दर्शाने के लिए जो भी हम वर्ड यूज करते हैं उनको हम क्या बोलेंगे, वर्ब बोलेंगे। आई थिंक आपको इतना क्लियर हो गया होगा कि वर्ब किसे बोलते हैं। आगे देखते हैं, वर्ब्स के मेनली दो प्रकार होते हैं, ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव। लेकिन हम थोड़ी सी नॉलेज लेने के लिए कुछ वर्ब्स हैं उनको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे डूइंग वर्ब्स बोलते हैं जो हम ऑब्वियसली यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल आई राइट, उनको प्रेजेंट में आई राइट ऐसे बोलते हैं। पास्ट टेंस में वही वर्ब को आई रॉट बोलते हैं और फ्यूचर में उनको बोलते हैं आई विल राइट ऐसा बोलते हैं, उनको हम डूइंग वर्ब्स बोलेंगे। दूसरा बी वर्ब्स, टू बी ऐसा बोलते हैं, कुछ लोग बी वर्ब्स बोलते हैं। तो बी वर्ब्स क्या होते हैं, जैसे एम इज आर, प्रेजेंट टेंस में एम इज आर होता है, पास्ट टेंस में वाज एंड वर होता है, कुछ लोग उनको वेर बोलते हैं, दैट इज रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन, उनको वर बोलते हैं। उसके बाद फ्यूचर टेंस के टू बी के फॉर्म से विल बी एंड शैल बी। उसके बाद हैव वर्ब्स आते हैं, हैव वर्ब्स जैसे प्रेजेंट टेंस में हैव हैज़ यूज करते हैं, पास्ट टेंस में हैड यूज़ करते हैं और फ्यूचर टेंस में विल हैव और शैल हैव, ये दोनों यूज़ करते हैं। तो मुझे लगता है आपको ये तीन प्रकार के वर्ब्स आपको याद रहेंगे होंगे, डूइंग वर्ब्स, बी वर्ब्स एंड हैव वर्ब्स, ये आपको याद रखने हैं। आपको लिखना है तो लिख सकते हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि क्योंकि जब आप टेंस सीखेंगे तब ये सब कुछ आने वाला है और तभी आप इंग्लिश बोल पाएंगे जब आप टेंस आएंगे, और टेंस के लिए थोड़े से बेसिक्स आपको सीखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये हुए कुछ वर्ब्स, अभी मेन पार्ट है वो देखते हैं, ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव। बहुत ही सिंपल है, कुछ लोगों को बहुत हार्ड लगता है लेकिन ये बहुत ही सिंपल है। जैसे ट्रांजिटिव वर्ब्स, जिसके पास ऑब्जेक्ट होता है उनको हम ट्रांजिटिव बोलेंगे, जिसके पास ऑब्जेक्ट नहीं होता उनको हम इनट्रांजिटिव बोलेंगे। इतना ही आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है, बाकी आप डेफिनेशन ये वगैरह देखेंगे तो आपको कंफ्यूजन होगा, इसलिए जस्ट इतना ध्यान रखो कि जिसके पास ऑब्जेक्ट है उनको हम ट्रांजिटिव वर्ब्स बोलेंगे, जिसके पास ऑब्जेक्ट नहीं है उनको इनट्रांजिटिव बोलेंगे। कुछ लोगों को लगता होगा कि ऑब्जेक्ट को हम कैसे आइडेंटिफाई करें, मैं बताता हूँ कैसे आइडेंटिफाई करें। जैसे हमें कोई भी सेंटेंस हो जिसको आपको कोई क्वेश्चन दिया गया है, तो हमें क्या करना है, व्हाट एंड हुम से क्वेश्चन करना है। क्या बोला मैंने, व्हाट एंड हुम से क्वेश्चन करना है। फॉर एग्जाम्पल, ध्रुवी लाइक्स आइसक्रीम, तो हमें क्वेश्चन करना है व्हाट एंड हुम से, ध्रुवी लाइक्स व्हाट, ध्रुवी को क्या पसंद है, ध्रुवी लाइक्स व्हाट, तो आइसक्रीम, उनको क्या पसंद है, तो आइसक्रीम, यहाँ पे हमें आंसर मिलता है आइसक्रीम, तो ये हुआ ऑब्जेक्ट, तो उनका हम ट्रांजिटिव वर्ब बोलेंगे। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, प्राची लाफ्ड, प्राची हंसी, उनका हम व्हाट एंड हुम से क्वेश्चन करेंगे, तो प्राची लाफ्ड व्हाट, आंसर मिल रहा है नो, प्राची लाफ्ड हुम, आंसर मिल रहा है नो, तो उनको हम इनट्रांजिटिव बोलेंगे क्योंकि उनके पास ऑब्जेक्ट नहीं है। तीसरा एग्जांपल ले लेते हैं, ही लव्स आयशा, वो आयशा को प्यार करता है,
या तो उनको पसंद है, ऐसे हम बोल सकते हैं। वैसे मुझे भी पसंद है, मेरी भी फेवरेट है। तो उनको हम व्हाट एंड हुम से क्वेश्चन करेंगे। ही लव्स व्हाट, आंसर मिल रहा है नो। ही लव्स हुम, तो आयशा। किसको वो प्यार करता है, तो आयशा। तो यहाँ पे हमें आंसर मिलता है, इसलिए उनको हम ट्रांजिटिव वर्ब बोलेंगे। क्लियर? ओके, चलो इतना ही था, बाकी कुछ मगजमारी करनी नहीं है। ऑब्जेक्ट है तो ट्रांजिटिव, नहीं है तो इनट्रांजिटिव। तो मैं कुछ आप लोगों को एक्सरसाइज देता हूँ जो आपको सॉल्व करनी है और देखना है कि मुझे कितना आता है, और आपको कमेंट बॉक्स में उनके आंसर्स भेजने हैं, वो ट्रांजिटिव है इनट्रांजिटिव है, नंबर वाइज भेज देना है। ओके, तो ये है कुछ एक्सरसाइजेस जो आपको आइडेंटिफाई करने हैं कि ये ट्रांजिटिव वर्ब है या तो फिर इनट्रांजिटिव है। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखना, और मेरा चैनल अपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, और आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलना, और शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, और हमेशा सीखते रहना। तो फिर मिलते हैं, बाय बाय।